बड़ी बुरी हालत हुई थी, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। आपके लिए उसकी तो सारी प्रिपरेशन तैयारी हमने की हुई। बस पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक वेंचर चैनल। 2 दिन हो गए हम लोगों को सियालकोट आए हुए और किसी को नहीं बताया, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। इस बार हम लोग लाहौर से कोई भी प्रिपरेशन तैयारी नहीं करके आए थे, इसलिए 2 दिन हम लोगों को सियालकोट में लग गए नूरी भाई के पास। आज है 1 सितंबर 2020, मोटरसाइकिल का ट्रैवल करने जा रहे हैं स्टार्ट। साथ रहोगे, देखोगे किस तरह से क्या साथ सिस्टम चलता है। फिलहाल भी मुंबई वगैरह सारे बाहर हैं। ये रही हमारी नई किट पाक वेंचर की। ये इसका ट्राउज़र है, ये है इसके नीचे वाटरप्रूफ इसकी लाइनिंग जो कुछ भी है। इसके अलावा ये नए शूज़ हम लोगों ने तैयार करवाए, प्रोडक्ट ऑफ पाक वेंचर। अभी समझ लो कि ये जो सी किट है इसको साथ चेक करेंगे, ये कितना हमारे लिए अच्छा रहा टूरिंग के लिए। पिछले जितने भी इंसिडेंट हुए, मुंबई की टांग टूटी, मेरा फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि किट के बगैर, सेफ्टी शूज़ के बगैर हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। अब बाहर चलते हैं, जाके देखते हैं कि आगे मज़ीद कितनी तैयारी हम लोगों की रह गई है। ये है चित्राली घोड़ा, टैंक बैग के अंदर मेरी जो सी एसेसरी वगैरह पड़ी हुई है, जंगो लॉन टैंक, इसमें भी कुछ जैकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, खाने पीने का सारा सामान इस बॉक्स में, टूल्स और कुछ की चीज़ें इसके अंदर। इसके अलावा इस टूर में हमारे साथ जा रहे हैं शम्स भाई, मोहन भाई, सबकी जान, और हमारे प्यारे चाचू नूरी टाप वाले मेरे ने मेरा साले। चलो अभी बार निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नूरी भाई, आप लोगों को याद होगा जर्मनी से नूरी भाई आए, इन्होंने बोला कि मैं सियालकोट आ गया हुआ हूँ, नहीं तो हम लोगों ने डायरेक्ट लाहौर से ही निकल जाना था। लेकिन जब नूरी भाई आ गए तो हमने सोचा कि पहले हम लोग सियालकोट जाएंगे, सियालकोट में स्टे करके नूरी भाई को मिल के जाएँगे। बहुत फोर्स कर रहे हैं, अभी भी नहीं जाने दे रहे, 2 दिन रहने के बावजूद नहीं जाने दे रहे। सॉरी, इंशाअल्लाह वापसी में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फिलहाल अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके निकलते हैं। चलो सबको रेडी है। टाइम हो गया है अभी 9:04। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरे हवाले। बड़े अरसे के बाद राइड की, बाइक की, और वो भी इतना अप टू डेट हो के किट वगैरह, शूज़ वगैरह और साथ में कुछ और गैजेट वगैरह ऐड कर दिए, तो एक बड़ा एक अजीब सा एक फीलिंग आ रहा है। काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, राइड करना और सारी एक चीज़ को हैंडल करना। यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं। वजीराबाद यहाँ से तकरीबन कोई 22 किलोमीटर रह गया है, तो अल्लाह करे सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। मुझे ज़रा ज़्यादा टेंशन है। पहले एक GoPro था, उससे सारा कुछ रिकॉर्ड करते थे, बहुत इजी था, कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। लेकिन अब जो है लगता है कि इस पर टूर थोड़ा सा स्लो भी होगा। जैकेट बहुत ज़बरदस्त लग रही है, किट बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ज़बरदस्त। डिवाइस का कुछ करो यार, डिवाइस जाके रावलपिंडी तो लाएंगे इरफान भाई को। इरफान भाई से मेरी बात होगी भी है। अच्छा मून भाई, टायर का कुछ मिल सकता है? टायर इस टाइम नहीं मिलेगा, अब टायर कुछ नहीं हो सकता। उन टायर आगे कितने जाके बेचना पवेगा, जैसा जब जरा भी मिलेगा वो पुआना पवेगा। 10 बजे हम लोग पहुँच गए हैं वजीराबाद। दोस्त कम कर दिए, राइडर कम कर दिए, रीज़न जो सी है ये क्या चक्कर है? गाड़ी ठुका हुआ है या कोई बदमाशी चल रही है, पता नहीं क्या है, लेकिन कोई मसला ज़रूर है, पता नहीं। खैर हम लोग बात ही बुला दिया, कंटिन्यू करो सफ़र। रेट क्या चल रहा है? 104 रुपये। चलो भाई फुल कर दे और फ़ोन बंद कर दे, तेरी मेहरबानी है। खुद भी फटेगा, मुझे भी फाड़ेगा। तेरी मेहरबानी है, ख्याल कर। आप बोले ना फोन कर दे, मैंने रख दिया ना फोन। रख तो दिया लेकिन वो कॉल कनेक्ट है उसके, वो तो चल रहा है ना, वो इस तरह नहीं होता मेरे भाई, तेरी मेहरबानी है। इसलिए मुझे फाड़ने के चक्कर में नहीं, आप नहीं। अच्छा बारिशों का सीजन और पहली बारिश कितने बजे? रात को 1 बजे, 12:54 पे। रात के ट्रैवल का सबसे बड़ा जितना बेनिफिट आप ये है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलती, दूसरा आप गर्मी से बच जाते हैं, और नुकसान ये है कि आप किसी को मिल नहीं सकते। रात का टाइम होता है 2, 3, 4 बजे का। बारिश है तो ज़रा केयरफुली चलाओ, दोनों हाथ पकड़ के किसी वक़्त टायर अगला स्लिप होके आपकी कलाबाजी लगवा सकता है। खानपुर डैम पहुंचे हैं और हल्का हल्का दिन निकला है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है। कभी कभी हमारे करीब चीज़ें इतनी खूबसूरत होती है कि दूर की चीज़ें भुला देती हैं। सामने का क्या व्यू है गोप्रो नहीं दिखा सकता क्योंकि वाइड एंगल है। अब्बोत्ताबाद, अब्बोत्ताबाद में सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे बालाकोट जाएंगे। और अब्बोत्ताबाद में हमें मिलना था शहरयार भाई से, और शहरयार भाई जो उनसे हैं कल फ़ोन कर कर के मैसेज कर कर के करके मोहसिन भाई कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, लेकिन मोहसिन भाई बहुत लेट हो गए और सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए। एक तो टाइमिंग हमारी यहाँ तो रात, यहाँ सुबह सुबह बे टाइम हर जगह पर पहुँचते हैं। ट्रैफिक हो गया, 9 बजे पूरा अब्बोत्ताबाद उठ गया, साफ आ चल रहा है। मानते हैं मान गए कि नहीं? परेशान हो गया। इंशाअल्लाह अब बिना रुके हुए हम लोग पहुंचेंगे बालाकोट। ओके जी, पाक चीना रेस्टोरेंट पे हम लोग पहुंच गए हैं, शहरयार भाई का रेस्टोरेंट। जलने की स्मेल आ रही है, क्या जल रहा है यार? जो भी जल रहा है। आज की राइड ख़त्म 2:15 पे। यार मैं सो गया था रास्ते में, मुझे ना नींद आ रही थी, मैंने क्या गिरने से बेहतर है कि थोड़ा सा सो जाओ। बड़ी बुरी हालत हुई थी, नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। आपके लिए उसकी तो सारी प्रिपरेशन तैयारी हमने की हुई। बस पहुंच गए। ओ पाक वेंचर वालों यार नींद आ रही थी, मैं की करता गिर जाता यार। हैं कितना लेट होया मैं 2 घंटे। टाइम हो गया अब 4 बज गए हैं। मोहन भाई शम्स वगैरह गए हैं बाहर, मोहन भाई को ड्रिप लगनी है क्योंकि उनको थोड़ा पेट का मसला चल रहा है। कॉम्प्लेक्स में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे ड्रिप लगवाएंगे। साथ में अपनी बाइक का करेंगे टायर चेंज। सियालकोट से नहीं मिला, रावलपिंडी से नहीं मिला, अब्बोत्ताबाद से आके मिला। शम्स भाई के टैंक के नीचे कॉयल होती है, वो लूज़ है, उसको ठीक करवाने के लिए गए हैं। और खाना शाना खा के चाय शाय पी के हर एक चीज़ करके हम लोग हो गए फारिग। बालाकोट में इस वक्त हम लोग हैं पाक चाइना रेस्टोरेंट पे। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। इसके अलावा आज का मौसम बालाकोट का, एबटाबाद का, हरिपुर का आखिर किस्म का आज से पहले मैंने नहीं देखा। कई बार अमूमन ऐसा होता है कि आप हट के किसी दिनों में आते हैं तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, तो वैसा ही हमारे साथ हुआ। हम लोग सितंबर में आए क्योंकि ये बारिशों का मौसम और दूसरा लॉकडाउन की वजह से यहाँ के मुकामी लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह से हरिपुर, एबटाबाद, बालाकोट अब इस वक्त इसकी खूबसूरती है, हमने इससे पहले भी बहुत कम, पता नहीं अमूमन नौजवान लोगों ने तो देखी नहीं है, जो उनसे कोई पहले के लोग होंगे उन्होंने देखी होंगी। लेकिन अभी एबटाबाद, हरिपुर, खानपुर डैम आप लोगों ने देखा हो कितना खूबसूरत लग रहा था, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज बस यहीं पे स्टे, इसके अलावा कल यहाँ से निकलेंगे, देखेंगे नूरी का प्रोग्राम बनाते हैं या फिर नारायण वाली साइड पर जाते हैं। नूरी का मुश्किल है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, हर वक्त बारिश रहती है तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग, मड, ये वो ऐसा सिस्टम है। तो होप्स हो कि शायद की बात है कि हम लोग नूरी को छोड़ दें, लेकिन अगर नूरी छोड़ दें तो हम लोग जाएंगे बाबूसर से होते हुए गिलगित वाली साइड पे। आगे जाके डिसाइड करेंगे, पहले खंजराब साइड करते हैं, स्कर्दू करते हैं, चित्राल करते हैं, क्या करते हैं ये जाके वहीं पे डिसाइड करेंगे। अनप्लान टूर है, इतना कोई ख़ास हम लोगों ने इस टूर को प्लान नहीं किया हुआ। रात को 2 से 3 बजे तक मैं पहुंचा रावलपिंडी में इरफान भाई के घर, जिनसे मेरी बात हुई थी कि वो मुझे डिवाइस देंगे क्योंकि मेरी एंड मौके के ऊपर तकरीबन कोई 10 दिन पहले मेरी डिवाइस जो सी है वो मैं जब लगाई टूर पे आने से पहले तो वो काम नहीं कर रही थी। इरफान भाई बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ के लिए जो आपने मेरी एक करंट सिचुएशन, एक समझ लो कि डिवाइस नहीं है आपका 50% जैसा टूर का मज़ा है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि हमें उसकी आदत होगी हुई है ग्रुप राइड में बात करते हुए राइड करने की, और साथ में आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग डिवाइस लगा के उसमें अपनी गपशप तारीफ करते हैं। तो इरफान भाई बहुत थैंक यू इसके लिए, नो वर्ड, अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। चलो फिलहाल अब अंदर चलें, जाके हेलमेट की डिवाइस लगाएं। मोहन भाई वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, 7 बज गए और अभी तक जो है मोहन भाई ड्रिप लगवा के नहीं आए और हम लोग बना रहे हैं मोहन भाई के लिए खिचड़ी। किचन में चलते हैं। मामू कितनी खिचड़ी जाएगी है दिखाएँ ज़रा। ये बीमार खिचड़ी, खिचड़ी हम भी खाएंगे, खिचड़ी खाने का दिल कर रहा है, मौसम ठंडा ठंडा हुआ तो सोचा कि चलो खिचड़ी भी खाएं। मोहन भाई आ गए हैं वापस, ड्रिप शिप लगवा कर खिचड़ी शिचड़ी खा के हो गए रेडी। शमा भाई का आज एक इन्होंने गलती की कि इन्होंने अपनी बाइक मैकेनिक को दे के खुद चले गए साइड पे, जिसकी वजह से जो सा नीचे मोबाइल चेंज करने के लिए जो सा नट होता है वो स्लिप हुआ, इसकी वजह से मसला हो गया। लेकिन मैंने एक स्पेयर, एक वो नीचे उसकी डाई वो पूरी रखी हुई थी। इसके अलावा अभी हम लोग रुके हुए हैं आज कहाँ पर, पाक चाइना होटल पे। पाक चाइना होटल पे, और पाक चाइना होटल हमारे बहुत प्यारे भाई हैं यहाँ पे, इनका है और इन्होंने हमें स्पेशल बोला है कि मोहसिन भाई जो भी बंदा आएगा आगे बोलेगा कि पाक वेंचर के रेफरेंस से आए इसको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। मोहब्बत तो फीस बिल्ला यहाँ पर चलती ही है। और शहरियार भाई हमारे, शहरियार भाई बहुत बहुत मेहरबानी। और ये रहे कासिम भाई, कासिम भाई भी शहरियार भाई के साथ ही होते हैं और इन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। यही मोहब्बत है जो कमाने के लिए घर से निकलते हैं। अभी शहरियार भाई जा रहे हैं तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा एक वीडियो बना के आज की वीडियो को करें ख़त्म। कल मिलते हैं, सब कर दो बाय बाय, खुदाफिज। आज का दिन ख़त्म, बारिश फिर से शुरू, मानसून चल रहा है। खुदाफिज। पहले यहाँ से जाएंगे गड़ी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से शारदा, शारदा से नूरी चढ़ेंगे। मजा आया जी, हल्दर शल्डर हो गया है।